भी अपना सर मेरे कदमों में झुकाएगा। चल सर झुका। देख लिया गांव वालों, ये है तुम्हारा जागीरदार। जाओ यहां से, जाओ। शिवाजी राजे भोसले की जय। शिवाजी राजे भोसले की जय। शिवाजी राजे भोसले की जय। इन सब को बांधकर भेज दो वापस। जहां से लेकर आए हो वहीं वापस ले जाओ। जा और जाकर कह दे अपने सरदार इनायत खान से कि अब शादी का कर नहीं मिलेगा और ना ही अब हम उसे किसी पर जुल्म करने देंगे। जा। हम सब आपके आभारी। आपने एक अनजान व्यक्ति के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। आप सब हमारे अपने हैं, फिर अनजान कैसे हुए? हम राजा या जागीरदार उसे नहीं मानते जिसके लिए प्रजा सब कुछ लुटा दे। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। राजे, राजे, राजे! युवराज जी, यही कौन सैनिक है, इसका क्या किया जाए? हम इस कमीने को मार डालेंगे, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जाइए आप सब, इसमें इस बेचारे का क्या दोष है? ये तो केवल अपने सरदार के आदेश का पालन कर रहा है। मरहबा मरहबा, आज जिंदगी में पहली बार इंसान के रूप में एक फरिश्ते के दीदार नसीब हुए। हुजूर शिवाजी साहब, अब मौत तो मेरा मुकद्दर है, अगर यहां से गया तो इनायत खान मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। अगर मरना ही है तो आप जैसे फरिश्ते के हाथों। नहीं, हम तो रणभूमि में पीठ दिखाकर भागने वाले शत्रु को भी क्षमा कर देते हैं। तुम तो अपने सरदार के आदेश का पालन कर रहे थे। जाओ, तुम स्वतंत्र हो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपने लिए कोई नया मार्ग ढूंढ लो। या मेरे मौला, शिवाजी हुजूर के मकसद को पूरा कर। ये कैसा इंसाफ पसंद बादशाह है जो रणभूमि में अपने दुश्मन को ही माफ कर। खुदा आपको सलामत रखे।
राजे की जय। शिवाजी राजे की जय। शिवाजी राजे की जय। शिवाजी राजे की जय। मुझे माफ कर दीजिए हजूर। वाह वाह, कमाल हो गया, ताज्जुब की बात है कि एक मामूली से लड़के के सामने हमारे जाबाज सिपाही भीगी बिल्ली से बदतर दम दबा के शिवाजी के खौफ से कांपते हुए हमारे सामने खड़े हैं। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हुजूर। बदनसीब भरा भरो, भरा भरो, भरा भरो। अल्लाह के लिए रहम कीजिए हुजूर। शिवाजी से शिकस्त खाकर हमारे सामने खड़े होने की जरूरत कैसे की तुम लोगों ने? रहम हुजूर। मैदान जंग से वापसी पर इनाम के मुस्तहक तुम सब जरूर हो। नहीं हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। हुजूर, खुदा के लिए छोड़ दीजिए हुजूर। हम तुम सबको मैदान जंग से शिकस्त खा के वापस आने का इनाम जरूर देंगे, जरूर। राजे, ये आपके लिए उपहार है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं काका? राजे, आज आपके ही कारण मेरी बेटी का विवाह हो सका। अगर आप ना होते तो वे दुष्ट हमारी बेटी को भी उठा ले जाते। राजे, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। औरतें, आदमी, बाल बच्चे, इनायत खान के आदमी उन्हें दिन दहाड़े उठा कर ले जाते हैं। हाँ राजे, हमारी जवान बच्चियों को ले जाकर मंडियों में भेज देते हैं। और वहां से खरीदार उन्हें अरबस्तान ले जाते हैं। और हम में से जब कोई पूछताछ के लिए इनायत खान के पास जाता है तो उसे तोप से उड़ा दिया जाता है। अत्याचार तो अब सहन करने की आदत सी हो गई राजे, पर देवी माँ पे हो रहा अत्याचार अब सहन शक्ति से बाहर होता जा रहा। देवी माँ? हाँ, देवी माँ। वर्षों से हमारी देवी माँ तोड़नाई इनायत खां के किले में बंद है। लगता है कि फिर कोई इनायत खां की निर्दयता का शिकार हुआ है। जुहैद खान की बर्बरता बढ़ती जा रही है राजे, बढ़ती जा रही है। हम इनायत खान को दंडित अवश्य करेंगे और इस किले पर अधिकार पाकर देवी माँ के चरणों में दीप जलाएंगे। मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, आइंदा आपको ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हुजूर। हुजूर माफ कर दीजिए। बदनसीब हो तुम, इनायत खान ने पूरी जिंदगी इनायत करना सीखा है, अगर जो तुम लोगों ने किया है उसकी सजा बद से बदतर होनी चाहिए। हम तुम सबको आसान मौत बख्श रहे। अल्लाह के लिए रहम कीजिए हुजूर, मुझ पर रहम कीजिए। खुदा का वास्ता हुजूर, रहम कीजिए हुजूर। आसान मौत।
हमें तोड़ना किला किसी भी हालत में हासिल करना है। हम तुम्हें रिश्तो नाबूद कर देंगे शिवाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले। इनायत खान तुम्हारे हर एक मंसूबे को खाक कर देगा। सुखी रहो जी, अब हम चलते हैं। राजे, आपने जो हम सब पर उपकार किया है, हम उसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमने कोई उपकार नहीं किया काका, हमने केवल अपना धर्म निभाया है। बैलगाड़ी तैयार है, इसे लाल महल कौन लेकर जाएगा? हम लेके जाएंगे। शिवाजी राजे, आपने हमें नया जीवन दिया है, हमें भी कुछ सेवा का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जरूर, हम भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहेंगे। चलिए,